बैठिए कमलेश जी। राहुल भाई अपने भाषण में मेरा नाम लिया और दलित कहकर मुझे कहा कि आई एम इन अ रॉन्ग पार्टी, यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी। अध्यक्ष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या रही है, आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है आज तक हमारे समाज को, फूट डालो राज करो। और उसी के नाते जब पूरे देश की जनता इस चीज को समझ गई है तो यही हाल अध्यक्ष जी, इसीलिए यही हाल हो गया है कि मेरे जैसे एक छोटे से सांसद कहां बांसगांव, कहां राहुल गांधी और कमलेश पासवान के बाद बोलने का इनको मौका मिला। और ये कोई कर सकता है, और हम सब लोगों का सौभाग्यशाली है अध्यक्ष जी कि जिस पार्टी में हूं, मुझे मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बनाने का, इस उम्र में बनने का अवसर दिया, टिकट दिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये मेरे आउटलाइन को करेंगे, मेरी खुद एक पहचान है। 3-3 बार सांसद रहा हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी, इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मारे गए, मेरे भी पिताजी अध्यक्ष जी मारे गए, मेरे भी पिताजी जो है रैली में मारे गए। तो मैं भी जानता हूँ दर्द को, इस देश को और इस क्षेत्र के सभी चीजों को जानता हूँ। तो जब कभी किसी के बारे में पॉइंट करें तो अपने मैं ये नहीं कहूंगा असंसदीय भाषा हो जाएगी ऐसी, कमलेश पासवान को इनके बस के नहीं है कि ये अपने पार्टी में ले आकर मुझे खुश कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इवन ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द बीजेपी, आई सॉ माय दलित कॉलीग स्पीक टुडे, पासवान जी, आई सॉ हिम। He knows the history of the Dalits. He knows who has oppressed the Dalits for 3,000 years. And he is speaking with a hesitancy. He is speaking without... I am proud of him. I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man. But he is in the wrong party. Don't worry, घबराइए मत। नहीं, बीच में नहीं, तो बीच में थोड़ी बोलेंगे, बाद में। नो, लुक, स्पीकर सर, आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। ये सुनो, एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है, प्लीज बैठ जाइए। मैं आप वो इजाजत दे सकते हैं क्या आसन को? वो इजाजत देने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार आसन का है, किसको इजाजत देनी है, किसको नहीं इजाजत देनी है, माननीय राहुल गांधी।